आज के आनंद की जय। माली देखो आज हम लोगों का बहुत बढ़िया दिन है। आज घर में संत लोग आएंगे, घर में भगवान का कीर्तन, घर में सत्संग हो रही। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जगत में सब चीज सुलभ है, लेकिन ये दो चीज बड़े दुर्लभ है। कहते दो चीज क्या दुर्लभ है, कहते संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो है। एक तो संतों का संग दुर्लभ है, दूसरा है भगवान की कथा दुर्लभ। ये दो चीज दुर्लभ है, लेकिन देखो आज हमें ये दो चीज मिल रहा है कि संतों का संग भी मिल रहा है और भगवान की कथा भी मिल रही है। ये दो चीज आज हम भाग्य में दोनों को मिल रहा है। इसलिए और विशेष करके आज कौन सा तिथि है, एकादशी तिथि। और जितने सारे तिथियों में जो एकादशी तिथि है ये सर्वश्रेष्ठ तिथि है। इसलिए शास्त्र में बताए अगर हम जीवन में सारे व्रत कर रहे हैं, कोई सोमवार करता है, कोई मंगलवार करता है, कोई बुधवार करता है, कोई बृहस्पतिवार करता है, कोई शुक्र शनि रवि, कोई तो सात ही व्रत करते हैं। कहते अगर तुम सात ही व्रत कर रहे हो, लेकिन अगर तुम एकादशी व्रत नहीं करते हो ना, सब जीरो, सब जीरो तुम्हारे व्रत पत्र ना, तो बेकार है। क्योंकि जो दूसरे दूसरे व्रत है वो दूसरे दूसरे देवा देवी के लिए, लेकिन जो एकादशी व्रत है ये भगवान राम कृष्ण और भगवान विष्णु के लिए ये एकादशी व्रत है। जगत में तो 33 करोड़ देवता, कितने का मनवा होगा, एक को मनाओ दूसरे मुंह खुला कर बैठा होगा, तीसरे को मनाओ चौथा मुंह खुला कर, कितने को मनाओगे, 33 करोड़ देवता है। तीन में अगर 1 करोड़ देवता की पूजा करो तो 30 दिन में कितना हो जाएगा, 30 करोड़। फिर 3 करोड़ बाकी रह गया, रह गया ना, रह गया कि नहीं, फिर उनको कैसे मनवा। लेकिन शास्त्र में बताया जहाँ पर कृपा हरि की हुई ता पर कृपा, बोलो ता पर कृपा हरि सब। जिसको पर मैं हरि की कृपा, बाकी भी हरि कृपा हो गया ना, उसको पर सबकी कृपा हो जाती है। अलग अलग हम दर दर भटकने का जरूरत नहीं है। इसलिए आप गीता महाभारत देखे है ना, जब अर्जुन युद्ध करना नहीं चाह रहा था तो भगवान कृष्ण विराट इतना चीज अपना दिमाग में बैठा दो, फिर तो समझो सब बैठ गया, नहीं तो दिमाग में कुछ भी नहीं, गोबर है। भगवान कृष्ण विराट रूप दिखाए अर्जुन, देख मैं कौन हूँ। जिसको तुम भोले बाबा कहते हो वो भोले मेरे अंदर, जिसको माँ देवी कहते हो देखो देवी मेरे में ही, जिसको तुम गणेश कहते हो वो गणेश मेरे में ही है, जिसको तुम हनुमान कहते हो हनुमान मेरे में ही, जिसको तुम इंद्र चंद्र वायु वरुण कहते हो देखो ये सारी दुनिया मेरे अंदर। इसलिए कृष्ण एक उदाहरण देकर बताए, परतरम अस्ति धनंजय मई सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणाय। भगवान उदाहरण देकर समझाए, जैसे देखो ये भी माला है, माला है ना, इसमें धागा दिख रहा है कि नहीं, दिख नहीं रहा है ना, अब क्या दिख रहा है। अगर ये माला को, अगर इसी रस्सी को तोड़ दिया जाए पर ये माला बनी रहेगी, इसलिए कहते हैं और जो कहते ना उसके इच्छा के बगैर एक पता भी नहीं हिलता है। देख अर्जुन विश्व ब्रह्मांड मेरा, मेरे से कोई परतत्व जगत में कुछ नहीं, सारा दुनिया मेरे में है। जब कृष्ण को चरण में प्रणाम किया, ये 33 करोड़ देवता को प्रणाम हो गया कि नहीं, हो गया ना, क्योंकि उसको अंदर में सब कुछ है। इसलिए भागवत में दो उदाहरण देकर समझाए, ये आप लोग भी समझो दूसरे को समझा, ठीक है ना। पहला उदाहरण दिया जैसे कि पेड़ है, अगर हमने पेड़ का जड़ में पानी नहीं दिया, 3 बार उसको पत्ते को धोते रहे, इसकी फूल को धोते रहे, इसकी फल को धोते रहे, 3 बार उसको टहनियां को धोते रहे, लेकिन एक जड़ में पानी नहीं दिया, बताओ पेड़ जिंदा रहेगा कि नहीं। आपने कहीं भी पानी नहीं दिया लेकिन पेड़ का जड़ में पानी दे दिया, अब बताओ पेड़ जिंदा रहेगा कि नहीं। दूसरे उदाहरण, अगर हम भोजन मुंह से करते हैं ना, मुंह से करते हैं, अगर मुंह से करने पर क्या होता है, सारी इंद्रियां काम करती है। अगर कोई मुंह में आहार नहीं दे, बोले भैया कान में तो सुनते हैं ना, थोड़ा डाल डाल दो, बोले नाक में तो श्वास लेकर थोड़ा रोटी दे दो, हैं
इसलिए और क्या, और हाथ में काम करते इतना फार करके उसको चावल दे दो, कोई करते ही आहार कहा देते हैं, मुंह में। इसलिए गीता में उदाहरण में सुखदेव गोस्वामी परिकृत को दे रहे हैं कि जब हम मुंह में आहार दे देते हैं ना, वो सारी इंद्रिया अपने आप सारे काम करता है। आपको कान में, नाक में, मुंह में आहार देने का जरूरत नहीं। क्यों? मुंह में देने पर पेट में चले जाएगी, अब पेट में जाएगा तो सारे इंद्रिया दे। एक समय ना सारी इंद्रियों में लड़ाई हो, यार तो क्या लड़ाई हो, बोले ये जीवा बैठ बैठ करके सारे रसमलाई लेकिन चमचम यही खाता है। सारे बढ़िया बढ़िया कौन खाता है बोलो? हाथ खाता है, नाक खाता है, कान खाता है, कौन खाता है? सब जीवा है, छोले भटूरे और जितने डोसा इडली सांभर कौन खाता है, रस कौन लेता है? एक समय सारी इंद्रियों में लड़ाई हो गई, बोले ये सबके सब बैठ बैठ कर खाता है। और दिन भर हाथ कहता है दिन भर मैं काम करता हूँ, प्यार कहता है दिन भर चलता मैं हूँ, कान कहते हैं सारे काम तब मैं ही सुनता तब सारे काम होता है, नाक कहता अगर बंद कर दो एक मिनट में राम नाम सत्य हो जाएगी, सारे काम करते लेकिन ये बैठ बैठ कर क्या कर रहा है? मजा मार रहे, स्ट्राइक कर दो, पूरा स्ट्राइक कर दो उसको, आज वही जुआ को मत दिया कर। एक दिन तक इस तरह से चलने लगे, एक दिन, दूसरे दिन ना, जब दूसरे दिन ही गया बड़ी कठिनाई से, तीसरे दिन में आंख में धुंधलापना शुरू हो गया, मेरे प्यार में चलना चलना प्यार में चल नहीं पा रहे, हाथ काम करना बंद कर दिया, कान सुनना बंद कर दिया, सारे इंद्रिय और स्तब्ध होने लग गए दो चार दिन में। कहते भैया भैया ये जीवा को दे रहे हैं तभी हम सबके सब काम कर रहे हैं, भैया उसको बढ़िया से खाना दो नहीं तो सबके सब खत्म हो जाए, ठीक है। इसलिए यहाँ शिक्षा देते हैं, ये जो एकादशी व्रत है ना, ये भगवान कृष्ण का, राम का, नारायण का व्रत, भगवान है, ये ठाकुर जी का व्रत है। जब ये व्रत हमने कर दिया है ना, ये जितने 33 करोड़ देवता भगवान के अंदर में सबके सब, ठाकुर जी के अंदर में ये सारे देवाद भी प्रसन्न हो जाते। रावण का नाम सुने? कौन कौन रावण का नाम जानते? जानते हो? आप बताओ, हनुमान जी को जब मेघनाथ बांध करके ले गया, आप टीवी में देखे होंगे, हनुमान जी जब रावण का ऐश्वर्य को देखा, दंग रख दिया, देखा प्यार को नीचे काल को दबा करके बैठा हुआ, देखे ना, जिस देवता को हम पूजा करते हैं, रवि, सोम, बुध, बृहस्पति, आप देखे होंगे टीवी में, देखा चारों तरफ में सारे ग्रह को बांध करके रखा, देखा हनुमान जी का पिता उसको घर में झाड़ू लगा रहा था, भाई अग्नि को देखा घर में कपड़ा धुलाई कर रहा, ब्रह्मा जी को देखा वेद सुना रहा, शंकर जी को देखा घर में बैठे, किसी देवा देवी को सुने नहीं छोड़ा था, सारे देवा देवी को रावण ने घर में, सबको उन्होंने घर में बांध कर रखा था। हनुमान जी देख करके बोले हमारे क्या ऐश्वर्य रावण, सबको तो किया लेकिन केवल एक व्यक्ति को खुश नहीं कर पाया था, किसको नहीं करा पाया था? अरे बोलो, रामायण नहीं थे, एक राम को उन्होंने खुश नहीं कर पाया, लेकिन विभीषण किसको खुश कर दिया था? राम को खुश कर दिया था। अब रामायण देखे होंगे, जब विभीषण रावण ने ठोकर मार कर भगा दिया, उसने आया प्रभु राम के पास में, अभी रावण को भगवान ने मारे ही नहीं, भगवान विभीषणों के लंकेश, क्या बोले? लंकेश, वहां पर सुग्रीव था, बोले प्रभु क्या बोले, लंकेश, लंकेश कौन है, लंकेश कौन है? रावण। अब तो लंकेश को मारे ही नहीं, अब तो इसको पहले ही लंकेश बोल दिया, राज तिलक लगा दिए, राज तिलक लगा दिए, बोले प्रभु 1% अगर रावण तुम्हारी शरण में आ जाएगा, 1% आएगा, वो तो आएगा नहीं, अगर आ जाएगा आप तो इसको लंकेश करके अब राज तिलक लगा दिया, अरे रावणों को क्या दोगे? देखो भगवान कितने दया, बोले अपना अयोध्या दे दो, बोले अयोध्या कैसे दे दो, अयोध्या तो भरत को देख करके आएगी, अयोध्या किसको देख करके आएगी? भरत को क्या दोगे? बोले अपना संकेत वैकुंठ दे दो, बोले आप रावण को दे दिया अयोध्या और दे दिया भरत को दे दिया संकेत और विभीषण को दे दिया लंका, फिर खुद कहा हमने खुद को देखो ठाकुर कितने दयालु, देखो बोले मेरे लिए किसी चीज की जरूरत नहीं, मैं तो भक्तों का हृदय ही मेरा स्थान है, भक्तों की संतों के हृदय ही मेरा स्थान है।
मेरे हर किसी स्थान की जरूरत नहीं। कितने दयालु, जिस रावण ने, ये चीज को समझ लो, जिस रावण ने लंका को पाने के लिए 10 बार सर काट करके दे दिया, दशानन है ना, लेकिन ये प्रभु राम की शरण में, कृष्ण शरण में आने का कितना महत्व बता रहे। केवल मेघनाथ, केवल श्री विभीषण ने केवल प्रभु राम के चरण में एक बार प्रणाम कर लिया उसने, और कुछ नहीं किया। एक बार प्रणाम करते ही लंका को अपने आप प्राप्त कर लिया, लंका राज्य को अपने आप प्राप्त कर लिया। प्रभु शरण में इतने लाभ है कि चलिए, जो एकादशी व्रत है किसकी व्रत है, कि कृष्ण राम और नारायण का व्रत है। अगर एकादशी व्रत आपने रख लिया ना, समझो सारी व्रत तुम्हारी रखना हो जाएगी। इसलिए एकादशी रखे हो सब और बन रखे, ताली बजाओगे। एकादशी व्रत रख लिया हम तो सब व्रत तुम्हारी रखना हो गया, ठीक है। और दो तीन काम करने का है, एक उदाहरण देकर समझाए। जैसे अगर आप विदेश जाना चाहते हो, बताओ तो आपके पास में क्या क्या चीज होनी चाहिए। वीजा होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए बोलो। दो चीज हो गया, पासपोर्ट वीजा, तीसरी चीज पैसे, टिकट होनी चाहिए। देखो ये चीज को समझो। देखो साधारण अगर आप विदेश में जाना, एक देश दूसरे देश जाना चाहते हो, आपको तीन चीज चाहिए, पासपोर्ट वीजा और पैसा टिकट चाहिए। अगर हम भगवान का धाम को जाना चाहते हैं, हमारे पास में भी तीन चीजें चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भागवत कह रहा है। बोले क्या है ये, जब महाराज जम्बू जी कह रहे, बोले किसको किसको पकड़ करके मेरे पास में ले आऊ, किसको किसको, जब उनको पर्ची बना दिया, बोले ललाटे तिलकम। वो उदाहरण देते हैं, जैसे कि सुहागिन नारी क्या करती है, पता कैसे चलता है ये सुहागिन, जैसे आप लोग सुहागिन है ना, सिंदूर लगाए हो अपने माथा में, सिंदूर यहाँ पर क्या बोलते हो, मांग में, मांग भरती हो, मंगल सूत्र पहनते हो, नाक में बेसर पहनी हो, हाथ में चिड़िया है, लाल हल्दी रंग के सब कपड़े पहने होंगे ना, इससे पता चलता है आप लोगों ने सुहागिन स्त्री है। जगत का पति के लिए तो हमने इतने श्रृंगार धारण कर, जो दो दिन का पति है, शादी से पहले कोई मतलब नहीं था, जब से शादी हुआ तब शरीर छोड़ा तो गया गया है। जब इसके लिए हम इतने सुहाग धारण कर लिए, लेकिन जो पति का पति, जो परमात्मा है, पति का भी पति है, उसके लिए क्या चिन्ह तुम्हारे पास। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जब कहते कहते उनके शरीर में तीन चिन्ह देखो, पहले लाटे तिलक, जो तिलक है ना, ये तिलक को देखो, तिलक को साधारण मत समझो, हमने लगा दिए। अब भगवान कृष्ण को देखो, कहीं फटो है मेरे भगवान कृष्ण, अंदर लगी है, भगवान कृष्ण का तिलक है कि नहीं, देखेगी नहीं, भगवान राम को देखेगी नहीं, तिलक है कि नहीं, नारायण को देखे हो, आधा मुंह तो तिलक में नारायण, हनुमान जी को देखे हो, गणेश जी को देखो कैसे तिलक लगा, अब देख ले, फटो जाकर देख ले, तिलक पूर्ण पुण्य ऐसे नहीं फोटा लगा दिया, नहीं, जैसे भगवान कृष्ण राम नारायण हनुमान गणेश तिलक लगा, तिलक हमारी कई होनी चाहिए। इसलिए कहते ऊर्ध पुंड्र धर्म मृियते जत्र कुदची कति ऊर्ध पिंड्र, ऊर्ध पुंड्र मतलब जो हमें भगवान तक ले जाए हैं, इसलिए उसको ऊर्धव नयति, जो भगवान तक ले जाए। और देखो इधर, ये ब्रह्मा बीच में विष्णु, ये महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जो दो है, ये दो ठाकुर का चरण है। उसका नीचे देखो, जैसे ठाकुर का चरण में तुलसी दल देते हैं ना, इसका आकृति ठीक तुलसी पता जैसे, तिलक ऐसे होनी चाहिए। हम लोग तो हिंदू है, देखना जैसे कोई अच्छे काम के लिए जाते हैं, तिलक लगा के छोड़ते हैं कि नहीं, जैसे घर में पुजारी पूजा कराने के लिए आता है, क्या करता है, पहले तिलक लगाएगा फिर कुछ काम कराएगा, ये तिलक के बगैर भी कोई पूजा सेवा नहीं करता है। क्यों, शास्त्र बताया तिलक के बगैर पूजा सेवा भी तुम्हारी निष्फल हो जाएगी। जैसे आप सब सुहागिन स्त्रियां हैं, इतना नहाने का बाद सबसे पहले क्या, सिंदूर लगाती है, मांग भरती, क्यों, नियम है पति को सामने बगैर सिंदूर तिल मांग के नहीं जानी चाहिए, अमंगल बताया गया है ना। इसलिए इसी पति के लिए, जो परम पति, जो भगवान पति का भी पति जो कन्हैया है, इसलिए क्या करो, सबसे पहले तिलक लगाओ, हाँ तिलक लगाओ और गल, और उसके बाद में कंठे त्रिकंठी का, गले में तुलसी की माला जरूर होनी चाहिए। जैसे ठाकुर को आप भोग लगाते हैं, भोग लगाते कि नहीं, भले छापान भोग क्षत्रिय व्यंजन, लेकिन बिना तुलसी प्रभु एक ना,
मगर तुलसी पता नहीं तो ना ठाकुर कुछ भी नहीं खाते। कहते जो शरीर ये हमारी कहते पंच रचित तो ये अधम शरीर है, इसलिए गले में तुलसी कटी डालने से क्या होता, ये शरीर आज तुम्हारी नहीं, ये शरीर ठाकुर को हो गया। किसको हो गए? भगवान की तुम बन गए, कृष्ण गोपी सखी बन गए। कहते ना आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की गले में कट्टी तिलक, मतलब है तुम किसकी दुल्हनी बन गई? बांके बिहार, ठीक है ना। इसलिए गले में कट्टी और तिलक, एक हो गया पासपोर्ट, एक हो गया वीजा। बोले टिकट क्या है? बोले जो टिकट है भगवान की नाम, क्या है ठाकुर जी की नाम। आप देख लेना अली जीवन में जो कुछ करो, जीवन में जो कुछ करना कर लो, लेकिन जब अंतिम समय आएगा, जब शरीर छूट जाते हैं, जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं, अब सुने वो क्या बोलते बोलते ले जाते हैं? यही बोलते हैं ना, यही बोलते ना, तुम्हारी क्या बोलते बोलते ले जाती है? यही बोलते, कहते किसको बोल रहे हैं? वो जो ऊपर लेटा हुआ ना उसको ही बोल रहे। बोले देख बेटा, जीवन में जितना राम का नाम लिया है, जितने तुमने गोपाल का नाम लिया वही सच्चा है। कहते सब कोई बात और झूठा है। इसके बगैर तुमने जो कुछ संसार में इकट्ठे किए हो, दुनियादारी बनाए हो, केवल तुमने झूठे में बिताए। एक सुई धागा भी यहाँ से तेरे साथ में नहीं जा रहे। जिस पत्नी को तुमने सात फेरा लगा करके अग्नि की शादी की, वो रो रो कर दरबार तक जाएगी, उसको आगे नहीं जाएगी। जिसको परिवार बनाए कहाँ तक जाएगी? शमशान तक जाएगी, उसको आगे कोई जानने वाले नहीं। तो जाएगा क्या? बोले पायो जी मैंने राम रतन पायो, जितने प्रभु राम का कृष्ण का नाम लिया वही जा रहा और कुछ भी नहीं जा रहा, ठीक है ना। क्या करनी चाहिए? भगवान का नाम जप करनी चाहिए, ठाकुर जी की नाम जो का माला जरूर जपा करो, है यही तुम्हारी टिकट है, अंतिम समय में यही काम में आएगा है। इसलिए भगवान की भजन की बड़ी जरूरत है, ठाकुर की भक्ति की बड़ी जरूरत है। इसलिए भगवान की भजन करो, भक्ति करो और आनंद में रहो और एकादशी व्रत करो। आज सबके सब आज कथा में आना, कथा में आते हो? कौन कौन आते हैं? सब आते हैं। हाँ, जो नहीं आते हैं सबके पास आना। आज एकादशी है, आज एकादशी की हम लोग अच्छी अच्छी आपको कथा सुनाएंगे। एकादशी क्रिया कौन क्या चीज है, एकादशी कौन करता था, एकादशी व्रत करके क्या लाभ हुआ है, आज सबको कथा आपको ही सुनाएंगे। अभी बहुत टाइम हो गया है, ठीक है। अभी हमारे श्याम प्रभु के भैया वृंदावन बिहारी देखो, जिस घर में इधर सुना, जिस घर में भगवान के भक्त लोग आते हैं, जिस घर में भगवान का कीर्तन होता है, हमारे भागवत कहता है, देखो श्लोक है, बोले सर्वाणी तीर्थानि वसन्ति तत्र यथा दूतादर कथा। इसका मतलब है जिस घर में हरि कीर्तन हरि नाम हो गया ना, पृथ्वी का सारे तीर्थ उस घर में। बोले पृथ्वी में कितना तीर्थ है बताए, कितना तीर्थ है? बोले 6 अरब। कितने हैं? 6 अरब। 1 अरब कितना होता है कौन बोलेगा? कितना होता है? 100 करोड़ होता है। 6 अरब मतलब कितना हो गया? 600 करोड़ तीर्थ उस घर में आ जाते हैं, जिस घर में भगवान की सत्संग और भगवान की कीर्तन होता है, ठीक है ना। इसलिए आज हमको हमारी बहुत अच्छा भाग्य है, प्रभु जी ने अपना घर में, इनकी घरवाली ने इनके घर में बुलाया संतों को, इनके लिए ताली बजाओ। बोले वृंदावन इधर अपना पत्नी को एक बेटी और बेटा है, नहीं बिहारी बेटा। देखो इनका बेटा, देखो इनको बेटा बेटी कितने अच्छे हैं, गले में कंठी है, तिलक है, भजन करते हैं, हरिनाम। ये बच्चा तो हमारे साथ साथ ही रहता है जी, हमारे साथ। हाँ, सबका घर में बच्चे ऐसे होने चाहिए हैं, जिस घर में बच्चे भक्ति करते हैं ना, वो भगवान के धाम है।
प्रभु वृंदावन बिहारी लाल।